सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे सिंगल क्लच, डुअल क्लच, डबल क्लच, ये क्या होता है। काफ़ी कंपनियां ये देती हैं लेकिन इनके बारे में पूरी डिटेल नहीं देती है, और हर कंपनी अपने ट्रैक्टर पे जरूर ना जरूर ये लगाती है कि हमारा ट्रैक्टर डुअल क्लच है, हमारा ट्रैक्टर डबल क्लच है, हमारा ट्रैक्टर ऑयल इमर्ट डिस्क ब्रेक के साथ है, तो ये डिटेल देती है। तो ये है क्या, इसके बारे में हम आज जानेंगे ताकि हमारे किसान भाइयों को आसानी हो ट्रैक्टर खरीदने में। अब काफ़ी किसान भाई जो है वो मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि ट्रैक्टर में तीन ऑप्शन आ रहे हैं क्लच में। कोई कहता है कि हमारा ट्रैक्टर जो है वो सिंगल क्लच में मिलेगा, कोई कहता है हमारा डुअल क्लच में भी है, और कोई कहता है कि हमारा ट्रैक्टर डबल क्लच में है। तो ये सिस्टम क्या है क्लच का, इसके बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले क्लच की बात कर लेते हैं कि क्लच होता क्या है। क्या होता है कि जो हमारा ट्रैक्टर होता है उसको ट्रांसमिशन से लेके गियरबॉक्स तक के लिए जो पावर सप्लाई करनी होती है उसके बीच में एक ऐसी चीज़ लगी होती है जो कि इन दोनों के बीच में गैप पैदा कर सके। क्योंकि अगर बीच में गैप नहीं होगा तो जो हमारा गियरबॉक्स है वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि रोटेटिंग स्पीड में अगर आप गियर लगाओगे तो जो डॉग क्लच होते हैं, मतलब जो उसके ऊपर जो लगी हुई होती है कॉलर, वो कभी काम नहीं कर पाएगी और आपका गियर कभी लगेगा ही नहीं। इस तरीके से आप कभी भी अपने ट्रैक्टर में गियर चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए बीच में क्लच लगाया जाता है। और खासकर एक बात होती है, हम क्लच लगाते नहीं हैं, हम क्लच छुड़वाते, क्योंकि काफी लोगों को यह बात नहीं पता होती कि क्लच हमेशा इंगेज रहता है। इसका मतलब यह कि क्लच जो प्लेट होती है वो एक दूसरे से हमेशा चिपकी रहती है, जैसे आप पैडल दबाते हो वैसे वो दूर होती है। तो ये जो बात है थोड़ी टेक्निकल है, आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि हम सोचते हैं कि हमने क्लच दबाया, मतलब क्लच को लगाया है, जबकि क्लच डिसइंगेज किया है हमने, ये होता है, मतलब क्लच हटाया है। क्लच से आपको समझ में आ गया है कि जो इंजन और गियरबॉक्स के बीच में जो पार्ट है वो क्लच है। अब बात कर लेते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है और तीनों है क्या। तो ये जो सिंगल क्लच होता है इसके अंदर एक ही प्लेट दी जाती है, और ये भी जो पैर पे जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो उस तरीके से ये क्लच जो है वो डिसइंगेज हो जाता है, इससे आप गियर लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि ये जो पेडल को आप जैसे ही दबाएंगे तो आपके पीछे पीटीओ दी जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है पावर टेक ऑफ। उसके अंदर जो पावर सप्लाई होती है वो भी इस क्लच के थ्रू होती है। तो जैसे ही आप इस क्लच को दबाते हैं और अब आप रोटावेटर का इम्प्लीमेंट चलाते हैं या फिर मल्चर कुछ भी चला रहे होते हैं तो वो भी तुरंत बंद हो जाता है, क्योंकि इसमें जो इंगेजमेंट सिस्टम है वो सिंगल प्लेट पे दिया गया है। इस तरीके से जो क्लच है आपका ये काम करता है सिंगल प्लेट का। अब बात की जाए डुअल क्लच की, तो ये जो डुअल क्लच होता है, डुअल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पैडल के अंदर दिया जाता है, डबल का मतलब हो जाता है अलग अलग, डुअल का मतलब एक ही में। तो डुअल क्लच में क्या होता है कि आपका जो पैडल होता है उसके अंदर दो क्लच दिए जाते हैं, इसमें एक हाफ प्रेस करने पे क्लच लगता है और दूसरा लगता है जब आप फुल प्रेस कर देते हैं आपके पैडल को। तो जैसे ही आप पैर से हाफ प्रेस करेंगे तो आपके जो गियरबॉक्स का जो क्लच है वो लग जाएगा, और जैसे ही आप फुल प्रेस करेंगे तो आपका जो पीटीओ का क्लच है वो लग जाएगा। इस तरीके से ये ऑपरेट होता है, और ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है जो हमारे रोटावेटर और मल्चर को चलाने के लिए काफ़ी आसानी देती है, और इससे किसान भाइयों को काफ़ी आसान होता है खेत में काम करने में। अब हम बात करते हैं डबल क्लच की। तो डबल क्लच जो है ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, और ये जो डुअल क्लच है इसी का मॉडिफिकेशन है। इसके अंदर क्या कर दिया जाता है कि जो हमारा क्लच होता है, पैडल में जो क्लच होता है वो अलग कर दिया जाता है, और एक और क्लच लगाया जाता है जिसके लिए अलग से लीवर दिया जाता है, जिसको पीटीओ लीवर भी कहते हैं और पीटीओ क्लच भी कहते हैं। उस लीवर से क्या होता है, जैसे आप उसे आगे करेंगे तो आपका जो दूसरा क्लच है जो कि पीटीओ के लिए दिया जाता है वो एक्टिव हो जाता है, और जो पैडल में क्लच है वो सिंगल क्लच रहता है। अब बात करते हैं तीनों के फायदे और नुकसान के बारे में। अब सिंगल क्लच में ये नुकसान है कि जैसे आप रोटावेटर चलाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो रोटावेटर जो पीटी होती है वो तुरंत काम करना बंद कर देती है, और इस तरीके से जो हमारा काम है वो तुरंत रुक जाता है। इससे क्या है कि काफ़ी दिक्कतें बढ़ती है किसानों को खेत में काम करने में, क्योंकि हमें रोटावेटर तो हमेशा घूमते पोजिशन में चाहिए, लेकिन गियरबॉक्स या फिर साइड टर्न लेने के लिए थोड़ा बहुत हम क्लच प्रेस करते हैं। जैसे ही हाफ क्लच प्रेस किया हमने तो जो पावर है उसकी, जो इंजन की होती है, वो क्लच पर बहुत ज़्यादा पड़ती है। इससे हमारा क्लच भी जल्दी खराब होता है, और हमारी जो प्लेट बदलने का टाइम होता है वो भी कम हो जाता है, और रोटावेटर भी अच्छे से पीस नहीं पाता, और हमारी जो मिट्टी है वो सही से बारीक नहीं हो पाती। दूसरी बात की जाए डुअल क्लच, डुअल क्लच में आपको दो क्लच दिए जाते हैं, इसमें आप हाफ प्रेस करते हैं तो आपका गियरबॉक्स का लगता है, फुल प्रेस करेंगे तो आपका पीटीओ का लगता है।
अब इसमें किसान भाई वो फिक्स पता तो है नहीं कि हाफ क्लच पे कितना लगना चाहिए, मतलब कितना आपको पैडल दबाना है तो हाफ ही क्लच लगेगा और कितना पैडल आप दबाएंगे तो फुल लगेगा। तो जो काफ़ी किसान भाई जो होते हैं वो हाफ से थोड़ा ज़्यादा दबाते हैं, तो बार बार जो पीटीओ का क्लच है वो इंगेज डिसइंगेज होता है। इस तरीके से इसमें थोड़ी सी जो नुकसान ये होता है कि इसकी जो लाइफ होती है पीटीओ क्लच की वो भी ख़राब होती है और हमको वो भी उसमें साथ में चेंज करना पड़ता है। तो कंपनियों ने जो मॉडिफिकेशन किया है कि क्यों ना इससे भी बचा जाए, ताकि जब भी किसान भाई क्लच बदलाए तो उससे या तो पीटीओ का क्लच बदले अलग से, या फिर वो नॉर्मल अपना जो पैडल का क्लच आता है उसे बदले। तो इसके लिए फिर उन्होंने मॉडिफिकेशन किया और डबल क्लच लाए। डबल क्लच में क्या होता है कि जो आपका सिंगल पैडल क्लच होता है वो सिंगल दिया जाता है, उसमें आप जितना भी प्रेस करेंगे एक लिमिटेड अमाउंट में बताते हैं कि इतने प्रेस के लिए, और वहाँ पे उसमें लॉकर सिस्टम होता है वहाँ तक आप प्रेस करेंगे तो आपका क्लच लगेगा और उससे गियरबॉक्स वाला काम होगा। और दूसरा जो है वो बिल्कुल लीवर में अलग कर दिया जाता है, उसे कोई भी आपका रिलेशन नहीं होता है जो आपके गियर बॉक्स का क्लच है उससे। इससे क्या होता है कि जो हमारा वो क्लच है वो हमेशा सेव रहता है, और जैसे अगर आपने चेंज करने की बारी आती है या फिर अपने को डबल दूसरा लगवाना होता है तो अपने पास ऑप्शन होता है कि आपको पीटीओ का क्लच चेंज कराना है या फिर गियर बॉक्स वाला। तो इस तरीके से हमें ये जो है थोड़ा फ़ायदा देता है। अब बात की जाए कि तीनों में सबसे अच्छा क्लच कौन सा है, अब बात की जाए कि तीनों में से क्लच कौन सा हमारे लिए सबसे अच्छा है, तो देखा जाए तो जो सिंगल क्लच होता है वो सबसे ख़राब क्लच हम कह सकते हैं इन दोनों के कंपेरेटिव। इससे थोड़ा अच्छा आएगा आपका डुअल क्लच, और जो सबसे अच्छा तरीका और सबसे एडवांस तरीका है वो है डबल क्लच का। इसमें क्या होता है कि लीवर अलग दिया जाता है, इस तरीके से आपकी क्लच प्लेट जो है वो ख़राब नहीं होती, तो इस तरीके से इन्हें डिज़ाइन किया जाता है। तो इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि सिंगल क्लच, डबल क्लच, डुअल क्लच क्या होता है। लेकिन मैं आपसे एक और बात कहूँगा कि अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी है, क्योंकि जब आप मेरे को कमेंट करते हैं तो मुझे ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि मैं नई नई वीडियो बनाऊँ और ज़्यादा सोचूँ कि क्या हम किसान भाइयों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस तरीके से मेरे अंदर भी इम्प्रूवमेंट आता है आपके एक छोटे से कमेंट से। तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसी है, और सभी किसान भाइयों में शेयर करें। धन्यवाद।